था और कोई ऑप्शन तो है नहीं वैसे, बच्चे बच्चे पैदा कराएगा टेंशन बोले। तो फिर गेवर लेना डन है ना, गेवर लेने तो जा ही रहे हैं बस ठीक है। So hi guys and welcome back to our channel The Muskare Vlogs. I hope so you all are doing fine. सब बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और हमें भाई देख रहे हो। तो भाई व्लॉग्स काफी ज्यादा लेट हो गए हैं, हाँ हम रेगुलर नहीं हो पा रहे भाई इस चीज में, बट कोई नहीं, जैसे आ रहे हैं उन्हें आप लाइक कर देना भाई। बंदे कह रहे हैं कि अच्छा है नहीं आ रहे, कौन कह रहे हैं भाई, कमेंट तो आते नहीं, क्या कौन रहा है ये, क्या कौन रहा है? है तो भाई आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चीज लेने, जो कि इस सावन के मौसम में सबसे स्पेशल है। ओनली सावन में होती है क्या? ओनली इसी टाइम पे होती है भाई। तो भाई मैं बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं, तू मत बता। हम जा रहे हैं गेवर लेने, गेवर 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 लेने जा रहे हैं, गेवर लेने जा रहे हैं गेवर। जहाँ कहाँ है ये तो हम जा रहे हैं जी बागपत। बागपत यार इतने दूर जा रहे हैं? देख लो भाई, तो मतलब कुछ तो स्पेशल होगा ही कि हम इतने दूर जा रहे हैं, और हमारे साथ दो स्पेशल लोग और भी हैं, मिलवाता हूँ मैं। ये भैया हमारे, हाय कर दो भैया। और ये इन्हें तो आपने देखा होगा भाई ऋषिकेश के ट्रिप में, गोलू भैया हमारे, गोलू भैया। तो भाई हम जा रहे हैं, हम चारों, तो भाई हम जा रहे हैं बागपत, और बागपत में जा रहे हैं हम जियालाल हलवाई। यस है ना, जियालाल हलवाई, और वो बंदा बहुत ज्यादा फेमस है अपने गेवर के लिए। तो 1 घंटा 15 मिनट दूर जा रहे हैं हम गेवर लेने, क्योंकि कल है राखी, राखी। तो भाई अच्छी मिठाइयां यार खानी चाहिए बिल्कुल। तो 1 घंटा 15 मिनट बाकी, भैया को दिखा दे, भैया कुछ कहना चाहे, भैया बताओ बताओ यार, यहां देखते हैं। या हाय गाइस, आई एम बैक, आई एम बैक। एक्चुअली ही इज ड्राइविंग, सो यू नो ही इज फोकस्ड ऑन द रोड, सो दैट्स गुड। तो वहां जाके दिखाते हैं क्या क्या है भाई, मैं भी खुद पहली बार जा रहा हूं इतनी दूर मिठाई लेने, वरना तो हम अपने सामने वाले अग्रवाल से छोटे छोटे रसगुल्ले ले लेते हैं। भैया मिक्स कर दो 500 ग्राम, चलते हैं दुकान पे, और ये लाइन लंबी हाँ, तो क्या लाइन है ये देखो, इतनी लाइन तो मन में फन नहीं, एक बंदा तो खड़े हो जाओ लाइन में, चल रहा है लाइन में तो खड़े होना पड़ेगा, हाँ लाइन में तो खड़े हो, हाँ लास्ट में है देखो, सारी लाइन है मेरे पीछे, 380 किलो ऐसी भाई भीड़ हो रखी है बड़ी भयंकर। हम भी भाई पहली बार आए हैं, और पहली बार मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है, सबसे जिनसे भी रिव्यू ले रहे कह रहे हैं भाई बढ़िया ही होता है। से देखो गोलू भैया को चढ़वा दिया, वो अंदर चले गए गोलू भैया, इतनी लाइन में वो पीछे लगे हैं दोनों, बड़े भैया और गौतम वो अंदर चला गया भाई 8 किलो लेने के। हेलो बता दिया मैंने, वो मैंने दिखा दिया भाई, ये अंदर चले गए, कोई कह रहा 500, कोई कह रहा 380। अच्छा हाँ हाँ पूरा सही से दिखा रहा हूँ, अभी लेजिट हमने टेस्ट करा, भैया ने अभी टेस्ट करवाया, जेन्युइनली गरम गरम फ्रेंड जैसे भी बनाए, बिल्कुल घी वाला हुआ है, लाजवाब हो गया, बहुत ही लाजवाब भाई, मजा आ गया सही में भाई, जेन्युइनली अभी भाई आ जाए बस, जल्दी आए भाई, वेट नहीं हो रहा, जंग जीत के आ गया हमारा योद्धा। आधा किलो के दो लिया ना, दो उसमें खा लेंगे, तूने तू दो तेंगे, तभी तो मैं कह रहा था एक छह आठ एक सात एक क्यों दो, आप कह रहे थे लेने दो जो लिए ना, मैंने डेढ़ कर दिया, अरे ला यार एक एक दे दो मेरे को भाई, ये देखो ये अपना सामान आ गया, ये पसीना, ये मेहनत का पसीना है भाई, देख लो, ओए ओए टेस्ट कर लेंगे, चलो इसी में से
भीड़ वाले एरिया से बाहर हम जा रहे हैं पूरा महादेव मंदिर, यही बागपत में है, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है ना। वहाँ यहाँ आए इतने दूर तो भाई दर्शन करने तो जरूरी है, और दर्शन करने के बाद हम खाएंगे घेवर। घेवर पीछे बड़ा मजेदार भाई, बताया ना भाई, बिल्कुल घी वाला, बिल्कुल अभी खोल के दिखाऊंगा एकदम। मिलते हैं मंदिर में एक बार। केहासी शिवलिंग तो होते ही अच्छे भाई, कहाँ से वहाँ से भाई हम आ गए पूरा महादेव। अब ये मे भी जितने भी यहाँ आसपास रहते हैं उन्होंने देखा होगा बागपत के आसपास बड़ा प्राचीन मंदिर है। अभी अंदर जाके एक बार मंदिर का व्यू दिखाते हैं आपको, बड़ा ही शानदार मंदिर है, हम भी पहली बार ही आए हैं, बड़ा ही शानदार मंदिर है भाई ये देखो। क्या चप्पल का? हाँ देखते हैं कहीं उतार देंगे नहीं तो। प्राचीन निकास द्वार, अच्छा ये दर्शन कर लो। दर्शन हो गए बहुत बेहतरीन, बढ़िया तरीके से दर्शन हो गए, जल भी हमने चढ़ा दिया। और मतलब ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस है भाई, हम प्लान कर रहे थे जाने का कि कांवड़ वगैरह लेने जाएंगे ठीक है, और उसके बाद जल चढ़ाएंगे सावन में है ना। कांवड़ का प्रोग्राम था वो नहीं हो पाया भाई, ना कोई ऐसा स्पेसिफिक शिव मंदिर, वैसे सोमवार को चले जाते थे भाई अपने घर के पास वाले मंदिर में, बट आज अनएक्सपेक्टेडली भाई ये प्लान बन गया हमारा यहाँ आने का। हाँ भाई मजाक से हट गया, सुबह से बहुत बढ़िया दिन जा रहा है, मैं झूठ नहीं आपको बोलूँगा। पहले घेवर का सीन हो गया, घेवर में इतनी आधे घंटे वाली लाइन थी, वो उधर है, वो है, चल कोई नहीं आ जाओ उधर ही। तो भाई बाकी आधे घंटे की लाइन थी, वो भी बीच में कोई बंदे मिल गए थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ लग जाओ, मैंने गोलू भैया को कहा भाई आप घुस जाओ वहाँ जाके, वो अंदर चले गए उसमें। उसके बाद अब हम यहाँ, हमारा प्लान बन गया कि पूरा महादेव का मंदिर है। जेनुअनली ये पता नहीं था बट किसी की स्नैप देखी थी तो मैंने कहा यार ये नियर बाय होगा, 15 मिनट का रास्ता था भाई यहाँ से, हमने कहा भाई बिल्कुल यहाँ दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत देखा यहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं है। मैं अभी यही बता रहा था, अनएक्सपेक्टेड सीन बन गया, महादेव के आज दर्शन हुए और भाई कल ही सावन खत्म है, मतलब ये कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है, महादेव भी चाह रहे थे कि आ जाओ यार एक बार ही दर्शन कर लो। बाकी बहुत बढ़िया रहा भाई, दर्शन अच्छे हो गए, अब जा रहे हैं वापसी, थक गए हैं भाई, गर्मी देख लो पसीने इतने आ रहे हैं, चलो आगे मिलते हैं। इतनी गंदगी हो रखी है यहाँ पे, मतलब यार भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे वो तो साफ सफाई रखो, और ऐसा नहीं है कि वैसे गंदगी, ये थम्स अप की बोतलें फेंक रखी है, ये फेंक रखा है, वो फेंक रखा है, ये सब कुछ यार ये लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है, उन्हें आप जितना समझाओगे ना वो और उतना ही करेंगे। बाकी देखो मंदिर ऐसा नहीं है, बनाने वाले ने बहुत बेहतरीन बनाया भाई, रूल्स रेगुलेशन हर जगह होते हैं लेकिन लोग ही उस चीज़ को भाई बुरा कर लेते हैं ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, इस चीज़ पे बहुत बड़ा डिबेट हो जाएगा। हाँ हाँ बाकी मंदिर देखो आप आर्किटेक्चर वाइज और वैसे बहुत बढ़िया शानदार बना रखा है। हाँ साथ में भाई हिंडन रिवर है और हाँ एक बार वो भी देख लो। चलो देखो महादेव की लीला परंपरा है, देख लो भाई हमें ऊपर से दिखा आते हुए भंडारा हो रहा है, तो कह रहे आ जाओ खा ही लो, मैंने कहा क्या बात है, भूख तो लगी रही थी और बहुत शानदार, ये बिल्कुल ओवर हो गया लेकिन फिर भी वो हमारे लिए कर रहे हैं भाई। अग्रवाल मिष्ठान मंडल, अबे अग्रवाल तो हमारे वहाँ भी है, वहीं से ले लेते तो वही तो है। अच्छा 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 वो पन्नी है भाई, वाओ मत करो। किशमिश तो तू खाता नहीं होता? अबे यार ये किशमिश अब हाँ। वो घेवर के अंदर थोड़ी होगी? हाँ अंदर नहीं होगी, गोलू घेवर के अंदर नहीं होगी ना किशमिश, है ना ऊपर ऊपर होगी। मेरे मुंह में तो आ रहा पानी। लो भैया पहले आप स्टार्ट करो। लो भैया लो देना भाई। हाँ जी मामला हेलो, आप तो करने वाले गोलू भैया रियल टेस्टर, आले लगे थे लाइन में लगे थे बेचारे, कर हर मैदान फतेह। कैसा है मामला है घातक? वेरी वेरी नाइस, ओए होए इसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। और गाइस ऐसे ही अब रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे, अब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक जगह जाएंगे तभी हम व्लॉग डालेंगे, अब हर
दिन 11 बजे आप लोगों को व्लॉग मिल जाएगा, डेली व्लॉग, मतलब वो कुछ भी रहेगा, हम जहाँ मर्जी जाएंगे जैसे मर्जी घूमेंगे, ठीक है, उसका आपको व्लॉग रोज़ मिल जाएगा। चाहे उसकी ड्यूरेशन एक बार ही देख लूँगा कि 7 से 8 मिनट की रखूँ, 10 मिनट की, वो डिपेंड करता है आप लोगों को पसंद आएगा तो ठीक है। बाकी भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये वीडियो मैं बहुत पुरानी है इसलिए, बट मैंने कहा कोई नहीं डाल देते हैं, आप लोग इन्जॉय करोगे। थैंक यू सो मच गाइस।